भारत में हर एक घंटे 42 मिनट में एक औरत दहेज के लिए जलाई जाती है, पर हर 300 दहेज के केसेस में से महज एक में अभियुक्त को सजा मिल पाती है। 1978 में सत्यरानी चड्ढा ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट लिखाई। उनकी बेटी बीना को उसके ससुराल वालों ने जला डाला था, कारण वही दहेज। अपनी बेटी की दर्दनाक मौत के बाद सत्यरानी ने औरतों पर अपराध, खासकर डाउरी डेथ्स के खिलाफ अपनी संस्था शक्तिशालिनी के माध्यम से जंग छेड़ दी। ये राधा गोपाल हत्या की वो सच्ची कहानी है जिसमें पहली बार सत्यरानी को दहेज हत्या के मामले में जीत हासिल हुई। साल की राधा गर्भ के सातवें महीने में थी। उसकी शादी साल भर पहले लक्ष्मण कुमार से हुई थी। दहेज की रकम थी 70,000 रुपए। अरे बहू, जाओ जरा अंदर से मिठाई तो ले आ, आराम से उठना, आराम से। पर शादी के महीने भर में राधा के ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग बढ़ गई। उन्होंने राधा को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इन धमकियों की बेबस गवाही राधा की पड़ोसन और सहेली रामेश्वरी ने दी। अच्छा बहू, तुमने अपनी माँ को तो बता दिया है ना कि अगर लड़का हुआ तो स्कूटर फ्रिज देना पड़ेगा, और लक्ष्मण को नया धंधा शुरू करने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अरे ये तो हमारे यहाँ रिवाज है। चल मिठाई ला, चल। हे भगवान, मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। मैं तुझे सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ। राधा, जरा बच्ची के लिए दूध तो गर्म कर लो। जी माँ जी। क्या माजी माजी, देख नहीं रही चूल्हे पर खाना पक रहा है? जाओ बाहर नया स्टोव रखा है, उसको जलाओ, गर्म करो, जाओ जल्दी से। उस रात रामेश्वरी ने सत्यरानी को कई बार फोन किया। राधा की जान खतरे में थी। हादसे के एक घंटे के अंदर सत्यरानी राधा के करीब थी। नमस्ते दीदी, मैं रामेश्वरी हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था, वो अभी अभी राधा को लेकर गई। आइए मेरे साथ। कौन सा
लोगों ने मुझे चलाने की कोशिश की, मेरे पति ने, मेरे पति ने मेरे पे मिट्टी का तेल डाल दिया और मेरी सास पे मुझे चला था। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ को घर के अंदर से बुला दो, मैं माँ को बुला दो। डॉक्टर कैसी है वो, उसकी तबीयत? राधा सच्चाई बताने के लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुझे। अगली सुबह 6:10 पर राधा ने दम तोड़ दिया। वो 75% जल चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार राधा की कोख में पल रहा लड़का यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। राधा के परिवार वालों के पहुंचने से पहले उसके ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रामेश्वरी, तू इस लड़ाई में मेरे साथ है ना? राधा गोपाल के पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा था जब उसे मार डाला गया। मैं इसको जानती थी, ये मेरी बेटी पीना ही थी। सत्य रानी राधा गोपाल के केस को लेकर नामी वकील और विमेन एक्टिविस्ट रीना समतानी के पास गई। पिछले 2 साल से सत्य रानी की बेटी का केस लड़ रही रीना समतानी राधा का केस लड़ने को तैयार हो गई। सत्य रानी की असली परेशानी थी राधा की माँ, जो केस लड़ने से घबरा रही थी। उसे सुबकती हुई औरत जो अपने आंसू बटोर रही है, बेचारी तो ये भी सोचने से घबराती है कि उसकी बेटी का खून हो रहा है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बरसों से बहु बेटियों को दहेज के लिए जलाया जाता है, लेकिन आज तक अदालत इसको जुर्म नहीं मानती और जलाने वालों को खून ही नहीं समझती। अगर आपको बीना का केस लड़ना है तो पहले आपको राधा की जलती हुई आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा। आपको राधा का केस लड़ना होगा। मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा। उसके पति लक्ष्मण कुमार और सास शकुंतला देवी को मौत की सजा हुई। भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार दहेज हत्या के मामले में अपराधी को मृत्युदंड मिला। इस फैसले से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में तहलका मच गया। प्रेस ने सेशन जज से उनके फैसले पर तफसील से बात की और केस के हर मुद्दे को जनता के सामने रख दिया। सेशन जज और प्रेस की इस दोस्ती से नाराज हाई कोर्ट ने सेशन जज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया और राधा गोपाल का केस रीट्रायल के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। आपकी बेटी को मारने वालों के खिलाफ कोई सबूत है जी आपके पास? कैसी अदालत है, मां का दिल नहीं देखती, सबूत मांगती। वकील साहब आप रहने दो, आप ये केस ही खत्म कर। क्या कह रही हैं आप? ऐसे हार मत मानिए, आप डरिए मत। आप कौन है और आपका इस केस से ताल्लुक क्या है? जज साहब, मैं इस दुखियारी औरत का हौसला हूँ। मेरा नाम सत्या रानी है। 2 साल पहले राधा की तरह मेरी बेटी को भी उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। उसका केस तो अभी तक ट्रायल कोर्ट में
सबूतों और गवाहों के बीच में जूझ रहा है। मैं चाहती हूँ ये आपकी बेटी का केस नहीं है, जो कुछ कहना है राधा की माँ और उसकी वकील कहेगी। थैंक यू जी, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं लक्ष्मण गोपाल को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? मिस्टर लक्ष्मण गोपाल, जिस रात आपकी पत्नी जल रही थी आप कहाँ थे? आप उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस रात आप कहाँ थे? जी मैं तो बस स्टॉप पे गया था अपनी साली को छोड़ने के लिए। एक गवाह भी है, एक टैक्सी वाला, मैंने उससे माचिस मांगी थी। माचिस? सिगरेट जलाने के लिए? जी हाँ। कमाल है मिस्टर सिंह, अपने क्लाइंट की हर आदत से वाकिफ हैं आप। फिर क्या हुआ? फिर जी मैं जब अपनी साली को छोड़ के आया तो घर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि अंदर राधा चल रही है। डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था जी, कसम से मैं भी उसे डरा था। मिस्टर गोपाल, मुझे लगता है आपको ठीक से सुनाई नहीं देता, शायद आपके पड़ोसियों ने वो चीखें सुनी और आप जो घर के अंदर थे कुछ नहीं सुन सके। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। मिस चंदानी, शायद पड़ोसियों के शोर मचाने की वजह से मिस्टर लक्ष्मण अपनी बीवी की आवाज नहीं सुन सके होंगे। मैं राधा गोपाल की सास शकुंतला देवी से पूछताछ करना चाहूंगी योर ऑनर। इजाजत। हाँ शकुंतला जी, आप जरा अदालत को बताएंगी कि पहली दिसंबर की रात जब आपकी बहू राधा की साड़ी को आग लगी आप कहाँ थी और क्या कर रही थी? मैं अपनी पोती को सुला रही थी। फिर राधा ने ये क्यों कहा कि मेरी सास ने मुझे जलाया है? ये झूठ है, बिल्कुल बकवास है। मैं अपनी बहू को क्यों जलाऊंगी जैसा? दहेज के लिए। हाई कोर्ट जज का फैसला सेशन जज के हर फैसले से अलग था। उन्होंने राधा का आखिरी बयान रद्द कर दिया, कारण बयान पर डॉक्टर या मैजिस्ट्रेट के दस्तखत नहीं थे। उनके अनुसार बयान पर राधा के अंगूठे के निशान भी साफ नहीं थे, यानी वो भी खारिज। हद हो गई जी। प्रोसिक्यूशन लायर को शायद इतना नहीं पता कि मरने से पहले राधा गोपाल का जो बयान था वो अधूरा था। डॉक्टर के सही नहीं थे उस पर सिग्नेचर, समझते हैं ना जी आप? और तो और राधा के भी नहीं थे, मेरा ख्याल है वो इतना पढ़ी लिखी तो थी। एंजी, सिग्नेचर का मतलब होता है सही, समझते हैं ना आप? और उसके लिए उंगलियों की जरूरत होती है और राधा के हाथ जले हुए थे। लेकिन बयान पे जो हल्का सा निशान था वो अंगूठे का था और वो राधा का ही था। रिपोर्ट पढ़ी है ना आपने? प्रोसिक्यूशन, आप इस मुद्दे पर और बहस नहीं कर सकती, अदालत इस सबूत को नहीं मानती। लेकिन योर ऑनर, हाई कोर्ट जज के मत में इस हादसे का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। राधा के बालों में मिट्टी के तेल का ना पाया जाना इस बात का सबूत था कि तेल राधा पर जबरदस्ती नहीं डाला गया। उनके अनुसार तमाम गवाहों के बयान अमान्य थे क्योंकि सारे गवाह लक्ष्मण और शकुंतला के विरुद्ध थे, खासकर रामेश्वरी। रामेश्वरी देवी, 4 जनवरी की रात 1982, उसे ठीक याद करके बताओ उस रात क्या हुआ था। मुझे अभी भी याद है, उस रात को बहुत ठंड थी, हम लोग खाना बना के सोने जा रहे थे, एकदम से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने हमसे कहा कि दीदी, रामेश्वरी दीदी, मुझे मेरी सास ने जलाया है, मुझे मेरी सास ने जलाया। पहले की राधा की पोती, उस लक्ष्मण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा किसी का नाम मत ले। वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर किसी का नाम लेना चाह रही थी जज साहब, वो रो रही थी, वो कहना चाह रही थी कि इन लोगों ने ये सब किया है उसको। योर ऑनर, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए अदालत को
क्या ये काफी नहीं कि राधा ने मरने से पहले दो बार, एक बार अपनी सहेली रामेश्वरी को और दूसरी बार अस्पताल में कहा कि मेरी सास ने मुझे जलाया है। हद ही कर दीजिए आपने तो, हैं जी? अगर किसी के कहने पर से अदालत ये मानने लग जाए तो फिर होगी छुट्टी। और फिर आपने तो अभी बताया कि रामेश्वरी राधा की सहेली है। सिर्फ रामेश्वरी का बयान ही नहीं, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की रिपोर्ट भी साफ साफ ये बताती है। मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राधा की सास की तरफ इशारा करता हो। राधा गोपाल को जिंदा जलाया गया है इस बात का ना तो कोई सबूत ना कोई गवाह अदालत के सामने आया है। द कोर्ट इज नाउ एडजर्न्ड। हाई कोर्ट ने केस लगभग बर्खास्त कर दिया। निराश राधा की मां कलकत्ते लौट गई। अब उनकी चिंता थी राधा की बहनों की शादी। अब सत्य रानी भी अकेली रह गई केस के दावपेच और राधा के ससुराल वालों से जूझने के लिए। तू क्यों हमारे पीछे लगी है? मैं भी देख लूंगी एक एक को, तो मेरा नाम भी। आप कौन होती है देखने वाली? मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हमारे फैसले का आधार होता है सबूत, जो सच है वही कानून मानता है। और अदालत के सामने जो कुछ पेश किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि लक्ष्मण गोपाल और शकुंतला देवी निर्दोष हैं, लिहाजा ये अदालत इन दोनों को बाइज्जत बरी करती है। इस फैसले के खिलाफ सत्यरानी ने हाईकोर्ट के अहाते में अपनी आवाज उठाई। नतीजतन उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया गया। उधर बरी होने के 3 महीने के अंदर लक्ष्मण ने दोबारा शादी कर ली, मुंह मांगा दहेज लेकर। सत्यरानी ने अन्य महिला संगठनों के समर्थन से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। राधा के खून से निर्मला को रंग रहे हो लक्ष्मण, इसके खून से किसको रंगोगे? निर्मला तू अंदर जा। खून कभी छुपता नहीं, कभी नहीं छुपता खून। ये आप क्या कह रही हैं? सुना नहीं तूने? तू अंदर जा। देखिए मैं आपको बहुत याद कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। राधा तुझे छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी तुझे, वो किसी ना किसी रूप में जरूर आएगी। ये पता नहीं मुन्नी को क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ पानी फेंका था उसपे। सात साल की मुन्नी वो चश्मदीद गवाह थी जिसकी सत्यरानी को तलाश थी। मुन्नी ने सत्यरानी को बताया कि जिस दिन राधा जलाई गई उसी दिन घर में एक नया स्टोव और मिट्टी के तेल से भरा 16 लीटर का जेरिकेन खरीद कर लाया गया। उसने ये भी बताया कि उसकी चाची राधा को लक्ष्मण और शकुंतला ने जलाया, पर 8 साल से कम उम्र वाले गवाह का बयान कोर्ट में माने नहीं था। और इसका सबूत ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट में है, ये रिपोर्ट जिसे हाई कोर्ट ने कोई अहमियत ही नहीं दी। जिस स्टोव के फटने से राधा की साड़ी में आग लगी उस स्टोव को एग्जामिन करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाने की मैं इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है मिलॉर्ड, उस स्टोव को जब मैंने जांच किया तो मैंने पाया कि स्टोव बिल्कुल नया था, उसमें बत्ती भी नहीं थी और जैसे कि उसे कभी इस्तेमाल ही ना किया गया। थैंक यू योर ऑनर। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि उस घर के आंगन में 16 लीटर केरोसिन का आधा भरा हुआ जेरिकैन पाया गया। जिस घर में गैस के चूल्हे पे खाना पकता है और जहां कभी केरोसिन लाया ही नहीं गया, इस्तेमाल किया ही नहीं गया, वहां केरोसिन 16 लीटर केरोसिन क्यों लाया गया? मैं उस रात के हादसे को एक बार फिर दोहराना चाहूंगी। राधा को उस रात लक्ष्मण के बड़े भाई के बच्चे के लिए दूध गर्म करने को कहा गया। जी माँ जी। राधा से कहा गया कि वो स्टोव इस्तेमाल करे।
स्टोव में बत्ती थी ही नहीं, उसके ससुराल वालों को अपने सारे प्लान पर पानी फिरता नजर आया। उनका गुस्सा भड़क गया, उन्होंने राजा को आंगन में भेजा और आंगन में ही उस पर केरोसिन डाला गया और उसे जलाया गया। Your Honor, this is a clear case of murder for dowry. A double murder at that. क्योंकि राधा के साथ साथ उसके पेट में पलते 9 महीने के बच्चे का भी खून किया गया। Your Honor, किस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक राधा का जलना फर्स्ट या सेकंड डिग्री का था? अगर उसके ऊपर कासलेट डाला जाता, जिसे आप केरोसिन बोल रहे हैं ना जी, वो तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती। यदि आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि इसके मुताबिक उसके बाल और उसका चेहरा नहीं जला था। यदि मेरे मुवक्किल उसे जलाना चाहते तो उसके सिर पर कासलेट नहीं डालते क्या? Your Honor, राधा के कपड़ों, यहां तक के उस पर डाली गई बोरी से काफी केरोसिन पाया गया। कोई भी स्टोव लीक होने से या फटने से इतना केरोसिन नहीं फेंकता। मुझे लगता है राधा के बालों में केरोसिन न मिलने की बात को हाईकोर्ट ने जरूरत से ज्यादा अहमियत दी है। सिर्फ यही सबूत काफी नहीं? Your Honor, आज से पहले किसी भी अदालत ने इन दरिंदों को अपनी दरिंदगी की सजा नहीं दी, लेकिन फिर भी लोग यहां आते हैं, फिर भी दरखास्तें पेश की जाती हैं, फिर भी केस लड़े जाते हैं। क्यों Your Honor? That's all Your Honor. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की नजर में राधा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, राधा की मौत एक सोच समझकर की गई हत्या थी, जिसके जिम्मेदार लक्ष्मण और शकुंतला मौत की सजा के हकदार थे। क्योंकि हत्या को 5 साल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण और शकुंतला को इंडियन पीनल कोड 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। पर इस फैसले के बाद भी लक्ष्मण और शकुंतला गिरफ्तार नहीं किए गए। फैसले के 3 साल बाद एक दिन अचानक किसी पत्रकार ने सत्यरानी को लक्ष्मण और शकुंतला का पता बताया। सत्यरानी ने पुलिस को शकुंतला और लक्ष्मण को गिरफ्तार करने को कहा, साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो 500 महिलाओं के साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। आज तक लक्ष्मण कुमार और शकुंतला देवी तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन सत्यरानी की बेटी बीना का केस आज 19 साल बाद भी अदालती कार्रवाइयों के भंवर में है।